हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर कि अभी जो आपको स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो वो देख लो, क्योंकि वहाँ पे हमने ये समझाया कि बेसिक लुईस एंड कॉसल ने क्या क्या सारी चीज़ें बताई थी। वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो का अगर मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूँ तो बच्चों, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ क्लास 10th में और याद करने की कोशिश करो कि कार्बन इन इट्स कंपाउंड में हमने ज़रूर इस तरीके के स्ट्रक्चर देखे थे। आया ना बच्चों, जब हम बॉन्ड पढ़ रहे थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो हमने ये देखा था कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, हमने ये देखा था नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, हमने ये देखा था अगर CH4 का स्ट्रक्चर होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। आया ना। तो अगर बच्चों मैं बात करूँ कि इसको अगर आपसे बोला जाता था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप क्या करते थे, ऑक्सीजन में क्या चेक करते थे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जो हमें पता है 6 हैं, ठीक है। एंड दूसरे ऑक्सीजन में भी सेम चीज़ें 6 है, तो आपका पर्पस क्या होता था कि इस तरीके से शेयरिंग करो कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एंड देन जो कॉमन एरिया में जितने पेयर्स होते हैं उतने नंबर ऑफ बॉन्ड बन जाते हैं, इस चीज़ से आप फैमिलियर हो। सिमिलर लाइंस पे बच्चों, ये दिस इज़ नथिंग बट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो सिमिलर लाइंस पे हम इस चैप्टर में अभी तक आपने क्लास 10th तक सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए देखा हुआ है कि किस तरीके से उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। अभी हम क्लास 11th में बच्चों ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से थोड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे जिस पे प्लस और माइनस चार्ज होते हैं वैसे के लिए, या सिंपल मॉलिक्यूल्स में भी जिस पे चार्ज नहीं होते लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जैसे थोड़े बड़े से हों, जैसे CO2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, इन सब पे आप किस तरीके से इन सब के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, वो आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बेसिकली 3-4 चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे कि क्या कंडीशन होती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बनने की। दूसरी चीज़ ये देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताता क्या है एक्चुअली में। तीसरा ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। एंड लास्ट में हम 3-4 एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पर हम एक्चुअल में देखेंगे बना के कि किस तरीके से हम जो हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, जो हमने रूल्स पढ़े हैं, उस रूल्स को फॉलो करते हुए आप किस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का। एंड देन आप बच्चों बुक में काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कैसे बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या क्या कंडीशन है। मतलब एस कंडीशन का यहाँ पे सिंपल मतलब है मेरा कि कौन कौन सी चीज़ें फॉलो होती है जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनना होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि हमेशा जो दो चीज़ आपस में जुड़ने आ रही है वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। क्या होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दैट मीन्स दो भी ए और बी जो भी चीज़ आ रही है उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जो आपने थोड़ा पहले पढ़ा हुआ है 10th में किस तरीके से शेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है बच्चों। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी जो पार्टिसिपेंट होते हैं, पार्टिसिपेंट्स मस्ट शेयर एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट, जो भी पार्टिसिपेंट है, सपोज ए और बी आपस में बॉन्ड बनाने, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इनके बीच में बॉन्ड बनना है, और इनमें से कोई एक ऐसा है जो एक भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स वो पार्टिसिपेंट नहीं हो सकता, कभी भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनना है तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, हम इस तरीके से शेयरिंग करते हैं, तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पर सबको कम से कम एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना ही पड़ता है, ठीक है, एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना ही पड़ता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको समझ आनी चाहिए। और तीसरा है बच्चों, करने का पर्पस क्या है, ये शेयरिंग क्यों कर रहे हैं, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये कर किस लिए रहे हैं, ये आपस में आके इलेक्ट्रॉन को शेयर क्यों कर, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। थोड़ा सा अगर आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए बच्चों,
तो आप इससे पहले वाला वीडियो चेक करो जहाँ पे मैंने ये बताया है कौसल एंड लुईस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या है, वो बेसिक डिटेल्स आपको बताऊंगी, तो आप बेटर तरीके से यहाँ पे चीज़ों को समझ पाओगे। वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट सेट किया हुआ है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो मेक श्योर आप उस वीडियो को ज़रूर देखो। तो ये तीन पॉइंट आपको हमेशा क्लियर होने चाहिए। देन एक क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि अगर मैं जब आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा तब आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ तो क्वेश्चन आपसे आप ये पूछ सकते हो कि इसका पर्पज़ क्या है, अगर मैं ये सीख लूँगा तो क्या पता चलेगा। अगर मैं आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता हूँ, आप सीख जाते हो, तो आप क्या बता सकते हो एटम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कभी भी शेप के बारे में नहीं बताता, मॉलिक्यूल के शेप के बारे में नहीं बताता लुईस डॉट स्ट्रक्चर। वो किस चीज़ के बारे में बताता है, इट टेल्स अस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, कहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है, कहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, ओवरऑल जितने भी आपके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है विद इन मॉलिक्यूल वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके बारे में आपको क्या बताता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए बच्चों लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझने से पहले। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्टेप्स। आपको इन स्टेप्स को आप इसको नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। जो नेक्स्ट पोर्शन हम करने वाले हैं दैट इज़ बच्चों हम कुछ स्टेप्स लिखेंगे जिन स्टेप्स को हमेशा फॉलो करना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाते टाइम, ठीक है। स्टेप्स फॉर लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब वो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाते टाइम, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों, मैं एक एक स्टेप लिखता रहूँगा और साथ के साथ एक बेसिक एग्जांपल से उसको समझाता हूँ, ठीक है। उसको बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले एक इजी एग्जांपल से समझेंगे जो आपको पहले से पता हो, O2 या N2 के हेल्प से, उससे वेरीफाई करेंगे एंड देन दो तीन ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, प्लस माइनस चार्ज आता है। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों, सबसे पहला काम क्या है, काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी आपको मॉलिक्यूल दिया गया है उसमें जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं सबको काउंट करो। तो सपोज करो मैं O2 की बात करता हूँ, तो ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चा, एक ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 और वैसे आपके पास 2 हैं, तो यहाँ पे टोटल 2 × 6 बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो सबसे पहला काम है आपने काउंट कर लिया नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देन आप देखो बच्चों क्या वो एनायन है या कैटायन है, अगर एनायन है तो जितना भी नेगेटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, और अगर वो कैटायन है तो उतने इलेक्ट्रॉन और सब्ट्रैक्ट कर दो। अब मेरे केस में ना तो ये प्लस है ना माइनस है, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मेरा 12 का 12 इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन अगर सपोज करो CO3 2- होता, ठीक है, CO3 2- होता तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता। किस में ऐड करता, इसमें पहले काउंट करता कितने नंबर ऑफ बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 4, ऑक्सीजन में 6 होते, 3 है तो वैसे 18 हो गए, प्लस 2 और कर दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स अनायन है, नेगेटिव का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और NH4+ है सपोज करो, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा टोटल काउंट करके, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पे NH4 वाला एग्जांपल मैं लूँगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। ऑक्टेट आपको पता है, आपने ऑक्टेट रूल पढ़ रखा है, ऑक्टेट रूल का वीडियो आ चुका है बच्चों। तो ये ड्यूएट कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता। तो मैं दूसरा एग्जांपल आपको लेके दिखाऊंगा। ये दो बच्चों अगर क्लियर हो जाते हैं तो हमेशा
उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, अपने इंटेलिजेंस से जो भी आपको नॉलेज है उसके बेसिस पे, अब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता तो आप कैसे लगाओगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपको क्लियर होता रहेगा, एक आधे एग्जांपल मैं बताऊंगा तो और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आपको अपना इंटेलिजेंस गेस लगाना है, इंटेलिजेंट गेस लगाना है कि आपको एटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एटम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब एटम को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करना है, उसके लिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ होती है वो हमेशा सेंटर में आती है, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो हमेशा सेंटर में आता है। कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि CO3 है, ठीक है, CO3 में क्या क्या आपके पास, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है बच्चों, इसके लिए आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर चेक करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये पूरा पीरियोडिक ट्रेंड मैंने बता रखा किस तरीके से बढ़ता घटता है, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि नोबल गैस के जो ज़्यादा पास होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये आपका कौन सा ग्रुप में आएगा बच्चों, ये 16th ग्रुप में, और उससे पहले कार्बन आता है, तो कार्बन इन दोनों में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन सेंटर में आएगा और चारों तरफ से आप इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन से इसको घेर दोगे, ठीक है। बॉन्ड कैसे बनाएंगे वो बाद की बात है, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, ठीक है। एंड देन लास्ट में आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है, बॉन्ड बनाना है, और अगर बॉन्ड में मिसमैच होता है तो आप मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हो। अब इस लास्ट लाइन में कंफ्यूज मत हो ना, मैं एग्जांपल के साथ आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, तो आपको सब कुछ जस्टिफाई हो जाएगा कि कैसे हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो जितना मैंने लिखा है आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है कि कैसे हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं, इसको सबसे पहले नोट कर लेना, और जब मैं बच्चों आगे करा रहा हूँगा तो आप इससे मैच करने की कोशिश करना कि क्या इस सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं, ठीक है बच्चों, CO2 का लेते हैं। दो तीन एग्जांपल करेंगे, अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, एंड देन आप NCERT के एक्सरसाइज और इंडेक्स के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ बच्चों, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने, तो कार्बन में कितना हो गया बच्चों, 4 प्लस ऑक्सीजन में 6 होते, 2 है, तो 2 × 6 = 12, दैट मीन्स 16 इलेक्ट्रॉन है टोटल मेरे पास, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन है, कोई कटायन एनायन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन दोनों में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो कार्बन को बीच में रख दिया और दोनों साइड से ऑक्सीजन से घेर दिया, ठीक है बच्चों। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है इस चीज़ को, ये 16 इलेक्ट्रॉन जो हमने काउंट करा है इसका सिग्निफिकेंस क्या है और किस तरीके से करते हैं। सबसे पहली चीज़ बच्चों ध्यान से सुनना, मैंने ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जो क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया ये होता है बच्चों कि अगर कोई भी चीज़ आपस में लूज डॉट स्ट्रक्चर या कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जा रही है तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा ही करेगा, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा ही करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो मैं सबसे पहले एक से तो कम से कम एक बॉन्ड से तो जुड़े होंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा बिना जुड़े हुए वहाँ पर हो, तो एक बॉन्ड तो होगा ही होगा कम से कम। नाउ अब क्या करो, आप अगर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसका होगा और एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, तो दैट मीन्स 4 यूज़ हो गए। अगर मैं इसमें से 4 यूज़ हो चुके तो बच्चे कितने मेरे पास, 12। अब आप क्या करो, इन 12 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो साइड वालों पे, सेंटर वालों पे नहीं, अभी साइड वालों पे, इस तरीके से कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब देखो इस ऑक्सीजन के लिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक एक और ये 2, ठीक है, जब शेयरिंग होती है तो ये इसका भी है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन इसका, ये इलेक्ट्रॉन इसका, लेकिन जब शेयरिंग हो गई तो ये इसको भी यूज़ कर सकता है, ये इसको भी यूज़ कर सकता है, तो फिलहाल इसके पास 2 है, 12 मेरे पास है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, मैंने 12 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, मैंने 12 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, एंड आई कैन सी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बना। अब मैं देखता हूँ क्या क्या सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसका कंप्लीट हो गया, इसको देखते हैं कार्बन का। एक दो तीन चार, चार ही रह गए, इसको चाहिए आठ, कितने और देने पड़ेंगे इसको, चार इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिर दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सिंगल बॉन्ड को समहाउ मल्टीपल बॉन्ड, जो लास्ट लाइन में सॉरी जो लास्ट लाइन में बता रहा था ना बच्चों, कि सिंगल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड में कन्वर्ट इसलिए करते हैं ताकि आपको चेक करना है कि सबके ऑक्टेट कंप्लीट हुए कि नहीं हुए। तो मैं इन दोनों को उठा के यहाँ पर डाल दूंगा और इन दोनों को उठा के यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन का एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब इस कार्बन का देखो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हो गया सबके आठ। दैट मीन्स ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया किसका बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये चार और ये चार। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमने कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया। अब मैं बात करता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड की। ठीक है, फिर दोबारा सेम काम करूँगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करूँगा तो चार प्लस छः दस हो गए बच्चों। अब यहाँ पे दो ही हैं तो एज सच कोई प्लस माइनस नहीं है, दो ही है तो सेंटर में डालने का साइड में डालने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा डाल लो सी और ओ, है ना। अब क्या है कि अगर सेंटर में कोई एक एटम होता तो मैं क्या कर देता कि एटलीस्ट एक बॉन्ड बनाता और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता। अब यहाँ पे सेंटर में कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक बॉन्ड तो पक्का जुड़ेगा ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एक बॉन्ड से तो पक्का पक्का जुड़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो दैट मीन्स अगर दो इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिए मैंने तो आठ बच गए। ठीक है, अब आठ को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करने चला बच्चों, किस तरीके से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया। तो ध्यान से देखो, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, यही हुआ, दैट मीन्स कंप्लीट नहीं हुआ ना, हाया ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि आई नो बच्चों कि कार्बन के पास जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, चार होते हैं, एक दो तीन चार, एंड ऑक्सीजन के पास एक दो तीन चार पाँच छः होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से भी कर देता हूँ शेयरिंग जैसा मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, तो इसके आठ कंप्लीट हो गए, लेकिन इसके कितने कंप्लीट हुए बच्चों, खाली छः ही रह गए। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों को आठ करना है। यहाँ पे अभी क्या रखा, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, अगर मैं कार्बन से उठा के यहाँ पे एक बॉन्ड है, इन दोनों को ऊपर डाल देता हूँ, तो इसके पास बच्चों ये वाला बच गया खाली यहाँ पे, और इसके पास ये वाला बच गया। अब काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, अभी भी छः ही है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसके तो आठ कंप्लीट कर दिए मैंने, इसके नहीं हुए अभी आठ कंप्लीट। दैट मीन्स मेरे को इन दोनों को वापस उठा के इधर डालना है। अब ध्यान से देखना, इसको एज इट इज़ इधर छोड़ दिया, एक दो और एक जो दो दो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो उसका एक बॉन्ड बन जाएगा, तो ये एंड देन ये चीज़। अब काउंट करो बच्चों, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो इस केस में क्या हुआ बच्चों, अब जाके इसका कंप्लीट हो गया, इस केस में अब जाके दोनों के आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो आप बोल सकते हो कि ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन ही थे, इसके पास छः इलेक्ट्रॉन थे, तो इसका मतलब है कि इनमें से जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ही हैं दोनों, और इस टाइप के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, वो सेपरेट टॉपिक है, उसको मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको आई होप समझ आया होगा कि किस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनता है। नाउ बच्चों, अगर ये दो चीज़ समझ आ गई है तो दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दो एग्जाम्पल और लेंगे इनफैक्ट, एक हम ओजोन का लेंगे एंड एक बच्चों लेंगे CO3 2- माइनस का। ठीक है, CO3 2- माइनस O3 और एक और ले लेते बच्चों, दैट इज NO2- माइनस का। ठीक है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मैं बना देता हूँ, आप इसको ट्राई करना, ये आपको इंटेक्स में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आपको हेल्प हो जाएगी अगर कोई डाउट है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो मेक श्योर आप मेरे से पूछ लो एंड देन आप इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, तो मैं ओजोन का आपको बताता हूँ एंड देन एनओ
टू माइनस का बताता है। देखो ओजोन बच्चों, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितने, 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 6 6 तीनों में। अब तीन है तो ऐसा कोई सेंटर में नहीं क्योंकि तीनों सेम है, तो तीन ऐसे लगा लो, ठीक है। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, देखो एक बॉन्ड से तो कम से कम जुड़ेगा ना, एक बॉन्ड से कम जुड़ेगा ही जुड़ेगा, हाँ या ना। अब एक बॉन्ड से कम जुड़ेगा तो दो और दो चार खत्म हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। अब आप क्या करो, 14 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले साइड साइड वालों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि 8 कंप्लीट हो जाए। तो दो पहले से है तो 1 2 3 4 5 6 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 6 और 6 12 13 14 15 16 बचे दो, दो इसके पास बच गए। अब काउंट करो सब पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6 ही रह गए, तो 6 रह गए, दैट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट कराना है तो किसी एक का, या तो इसका या इसका यहाँ पे शिफ्ट कर दो, मतलब दो इलेक्ट्रॉन हटा के अगर वो शिफ्ट करूँगा तो एक बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इस तरीके से आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ओजोन का भी बन गया ये, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। लास्ट पे बच्चों NO2 का देखते हैं, NO2 इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रॉन इसमें देखते हैं तो ये बच्चों 5 इसमें होगा, है ना, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो 2 है और 6 6 होते हैं, तो 12 तो यहाँ पे हो गया प्लस 1, ठीक है। तो 6 दुनी 12 12 और 5 5 बच्चों कितने हो गए, 12 5 17 और 1, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, ठीक है। अब क्या करो, आप जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको सेंटर में बना दिया, जो कम है उसको साइड साइड में बना दिया, एक बॉन्ड से कम जुड़ेंगे तो जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन थे, 18 में से आप 1 2 3 4 यूज़ कर चुके हो तो आपके पास बचे 14। अभी 14 को आप क्या करो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करो कि सबसे पहले साइड वालों पे क्या हो जाए, उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो दो आ चुके हैं तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और दो इधर से, दो इधर से, तो 8 8 हो गए, 12 आपने यूज़ कर लिए तो दो ही बचे यहाँ पे, हाया ना बच्चों, 12 आपने यूज़ कर लिया तो दो ही बचे। तो सिमिलरली अगर मैं देखूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका कंप्लीट हो गया, इसका कंप्लीट हो गया, इसकी बात करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 ही रह गए। तो अगेन आपको या इससे एक पेयर इधर दे देना पड़ेगा, तो आपका NO2 माइनस का ये स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन है कि ये माइनस कहाँ गया, तो हमेशा आपने माइनस को इलेक्ट्रॉन्स में पहले ही इंक्लूड कर लिया है, तो मेक श्योर कि जब स्ट्रक्चर बनाते हो तो इस तरीके से मिडिल ब्रैकेट बना के आप माइनस साइन ऊपर शो करो ताकि पता चल जाए कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अनायन के फॉर्म में आ रखा है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से उसको बना सकते हो। 4-5 एग्जाम्पल मैंने दिए, 2-4 आप बुक से खुद से ट्राई करोगे बड़ी आसानी से, आप किसी भी स्ट्रक्चर के लिए आप उसका लुईस डॉट, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय बच्चों।